नहीं शांजे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो वो सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा वो मेरी लालच नहीं, वक्त और हालात का तकाजा था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। देखो तुम्हारा वीजा लगा हुआ है, टिकट तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, प्लीज प्लीज आ जाओ ना, देखो इनकार नहीं करना। बहुत शर्मिंदा है वो, माफी मांग रहा था तो मैंने माफ कर दिया। अच्छा किया तुम बहुत अच्छा किया, इंसान को एक मौका तो देना चाहिए, क्या पता उसने गलती किया हो, वो अपना गलती सुधारना चाहता हूँ। हाँ मैंने तो भूलने की बहुत कोशिश की थी मगर वो नहीं भुला पाया, उसी ने कॉल बैक किया मुझे। अरे तुम्हारा लड़कियों को लेके क्या चक्कर है, ये सारा लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। अरे तो तुम बॉक्सर भी तो नहीं है, और अगर मैडम को ये बॉक्सिंग के बजाय फुटबॉल में इंटरेस्ट होता तो फिर आज हमारा जगह पे तू होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे नहीं भाई उधर तुम ही ठीक है। शांजे तुम्हारा घर पे? आप घर पर ही है लेकिन वो चला जाएगा। क्या हुआ अम्मा? तेरा भाई आया है, अंदर आने का बोल रहा है। अम्मा आप उसको कुछ भी कह दो, बोलो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं चली गई यहाँ से। वो झूठ बोलना नहीं आता है, उसको पता है कि तुम इधर ही है इसलिए वो आया है। अभी तुम बोलता कि झूठ बोल दो, हम कैसे बोलेगा कि तुम नहीं है इधर। अम्मा वो मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मरवा देगा? हम अभी पैसल के दादा से बात करेगा, वो दरवाजे पे जाके ऐसा करी करी सुनाएगा, दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी, वो दरअसल नाराज होके आई है। तो अचानक तो कोई नाराज नहीं होता है, कोई बात होता है तो फिर उस पर तकरार होता है, तो दोनों में से एक आदमी कोई जिद पे अड़ जाता है तो फिर ही कोई घर छोड़ता है ना, उस वक्त क्यों नहीं समझाया उसको। देखिए आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं चाहता हूँ कि मामला सुलह सफाई से हल हो जाए और इसमें कोई खराबी ना हो, वरना मेरी बहन आपके घर में कैसे रह सकती है। हाँ आपको अंदाजा है, जो अमीर लोग होते हैं ना वो समझते हैं कि बस पैसा उसके पास है तो इनकार करने का हक भी उसी के ही पास है। हाँ हम भी पहले यही बात मानता था, लेकिन अब हमको लगता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर वही है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। नहीं शाहिद भाई ये बात मत बोलो, खुदा की लाठी बे आवाज है, जब वो बदलने पर आता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। नादिर भाई पूरा इलाका आप लोगों का है और आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। अरे कौन सा छोटा सा काम साहब? वही शांजे को उठाने का। अरे किसी को अगवा करना इतना छोटा काम होता ना तो तुम खुद ही ना कर लेता। अरे साहब तुम पढ़ा लिखा आदमी है और भी तो छोटे मोटे काम करते ही होंगे ना। ये तो मैं नहीं कर सकता ना। तो फिर ऐसे तो ना बोलो हमें साहब। मैं भी फैसल के घर गया था, उसके दादा से मिला, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो मुझे शांजे से मिलने दे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि मैंने उसे धमकी भी दी लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। अरे साहब अरे तुम्हें धमकी देना आता कहाँ है? अरे तुम उसको साफ साफ बोल रहा तुम्हारा पोता को अंदर करवा दूंगा और जब तक लड़की नहीं मिलेगा तुम अपना पोता का शक्ल नहीं देखेगा, फिर देखता कैसे दिमाग ठिकाने आता उसका। क्या तो आप ठीक कर रहे हो नादिर भाई, मगर मैं इस तरह कैसे बोल सकता हूँ, मेरी बहन उसके घर पे। एक बात है जिसका मुझे अंदाजा है कि शांजे मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेगी और ना ही ये लोग मुझे कभी उससे मिलने देंगे। साहब हम घर से अगवा नहीं करेंगे, साहब साहब बता रहे तुमको। और अगर वो लियारी के बाहर हो तो? अगर लियारी से बाहर निकला तो समझो वापस लियारी में कदम नहीं रखेगा, सीधा तुम्हारा पास। वादा वादा
68 वादा तो हो गया, अब कोई माल पाने की भी बात करो। शाबू सही बोल रहा है, हमसे तो कोई वादा करती नहीं है, हम ही सभी से वादा करता रहता है। साबू, गाड़ी का भी बात हुआ था ना? काम खत्म हो जाए तो गाड़ी भी मिल जाएगी। देखो सेठ, हमें एक गाड़ी और चाहिए होगा उस काम के लिए जो हर टाइम हमारे पास खड़ा रहेगा। ठीक है, वो सुबह पहुंच जाएगी। हाँ, लेकिन सेठ एक ख्याल रखना, उसका कोई रिकॉर्ड सीधा नहीं होना चाहिए। मैं समझा नहीं। अरे मतलब अगर नंबर प्लेट कोई देखेगा तो सीधा पुलिस तुम्हारा घर आएगा। नहीं नादर भाई, इतनी अकल तो मैं भी रखता हूँ। बस फिर कल गाड़ी बेच के तुम आराम करो, और जिस दिन लियारी से निकला तुम्हारा काम हो जाएगा। वो निकलेगी जरूर, मुझे उसकी आदत का पता है, वो ज्यादा दिन घर बैठ नहीं सकती, और फिर लियारी के इन दड़बानुमा घरों में तो बिल्कुल नहीं रह सकती, वो जरूर निकलेगी। ठीक है, अब हम निकलते हैं और तुम इंतजार करो, हम तुमको कबर देगा। ठीक है ठीक है, चल शाबू, हाफिज साहब। अम्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आज आपने मेरा साथ दिया ना, बस कल की बात है, परसों को तो मैं चली जाऊंगी। अगर कल भी भाई जान आए ना तो प्लीज ऐसे ही करने आपने। हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। अरे आपको जितना दिन यहाँ रहने का आप रहो, जो होगा हम लोग देख लेंगे। अरे मेहमान है आप हमारा। नहीं, अब मैं ज्यादा किसी को परेशान नहीं कर रही, बस मैं परसों चली जाऊंगी, मेरी फ्लाइट है। हम आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, वैसे भी एयरपोर्ट बहुत दूर है। अरे आप अकेले कैसे जाएंगा, हम चलेंगे ना आपको छोड़ने के लिए। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके पास मैं जा रही हूँ उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई आए। ओ अच्छा, पेट ठीक है? अरे हम तो ये सोच रहे थे कहीं आपको कोई मसला ना हो रास्ते में। मुझे जितने मसले होने थे ना वो हो गए, अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सद्दाम भाई मेरे सामने मत आए। फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगे वो। जरूरी पूरे हम आते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ हमको, इतना दोस्ती है तुम्हारा उस लड़की से कि तुम जो बोलेगा वो करेगा? अरे तेरा ये प्यार भी हमको अच्छा लगता है। ये प्यार म्यार नहीं है, ये जेलसी है। हमको तकलीफ होता है, हमको लगता है कोई हमारी जगह ले रहा है। अरे नादिर भाई, हम ये पूछ रहा था कि ये नया गाड़ी कहाँ से आया, बता दे तूने उसको। अरे कौन सा गाड़ी? अरे दादा ऐसी बातें कहाँ चुपता है, लेकिन एक बात है दादा, सेठ वादे का बड़ा पक्का है। अरे अपना फायदा के लिए सब वादे का पक्का होता है, समझा? क्योंकि जहाँ पे फलाही काम होता है वहाँ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सीएनजी उसको। मैडम हमको यकीन था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप कभी आओ ना लियारी। हाँ हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह, ये छोटे इलाकों में एनजीओ बनाने का ख्वाब मेरा भी था, लेकिन फिर सारे काम बिजनेस ऑफिस सब में मैं इतना बिजी हो गई कि ख्याल ही निकल गया। हेलो, बोलो क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा दोस्त जा रहा था,
उसको हम अलविदा करा तो और क्या। कहाँ जा रहा है? अरे जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। लेकिन उसका तो लड़ाई हो गया था। अरे तो सुलह होने में कितना वक्त लगता है? ऐरत है यार, तुम तो खुश है ना। अभी तुम्हारा हुक्म था उसको घर से निकालने का, तो अब निकाल ले उसको घर से। अब तुमको ठंडक पड़ गया होगा ना। हमने ये नहीं कहा था कि उसको घर से निकालो, हमने तो ये कहा था तुम्हारे साथ रह क्यों रहा है। अरे एक ही बात है ये भी। अच्छा एक बात बोले, चाय भाई का एंट्री रजिस्टर्ड हो जाएगा ना? अरे हम कल जाऊंगा ना उसके पास। अच्छा एक बात तो बताओ हमको, इतना दोस्ती है तुम्हारा उस लड़की से कि तुम जो बोलेगा वो करेगा? अरे तेरा ये प्यार भी हमको अच्छा लगता है। ये प्यार म्यार नहीं है, ये जेलसी है। हमको तकलीफ होता है, हमको लगता है कोई हमारी जगह ले रहा है। अरे यही तो प्यार है। अरे तुम एक बात अपने दिमाग में बेटा, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है। और ये उसका कारोबार है, दिन में 25 लड़के लोग से मिलता है, वो खूबसूरत खूबसूरत पैसों वाला। और ये उसका शौक है, बॉक्सिंग उसका शौक है, इसकी वजह से वो हमसे भी मिल लेता है और क्या। अच्छा हमको सच बताओ, तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर मक्कर तो नहीं है ना? अरे माँ कसम नहीं है कोई चक्कर मक्कर, क्या हो गया तुमको? हमारा जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और का जगह नहीं है। अच्छा थैंक यू। अरे अच्छा सुनो, अब जब वो अस्पताल खुल जाएंगे ना तुम्हारा, तो हमको तुम अपना साथ कंपाउंडर रख लेना। क्या उस वजह से हम तुम्हारा साथ तो रहेंगे? अरे जो तुम्हारे हाथ को मुक्काबाजी की आदत पड़ गई है, अगर वो किसी को इंजेक्शन लगाएगा उसका दर्द थोड़ी ना खत्म होगा, बढ़ के एक नया दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं हाँ तो सही बोल रहे हैं हम। अरे उसको आवाज चला जाएगा कि उसके जाने पे हम असर है। चलो अब बाद में बात करते हैं, अभी जा रहे हैं। चलो अल्लाह हाफिज। अरे नादिर भाई के पास नया गाड़ी कहाँ से आया? अरे हमको क्या पता कहाँ से आया, फिर भी पता तो करना चाहिए। चलो अभी आता है ना, मैं पूछ के बताता हूँ तुमको। अरे क्यों मरवा रहा है, हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे क्या बातें कर रहे तुम लोग, आओ आओ बैठो बैठो। अरे हमको भी सुनाओ, क्या लतीफे सुना रहा था तू उसको? कुछ नहीं भाई, ऐसी बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? अरे नादिर भाई हम ये पूछ रहा था कि ये नया गाड़ी कहाँ से आया, बता दिया तूने उसको? अरे कौन सा गाड़ी? अरे दादा ऐसी बातें कहाँ छुपता है, लेकिन एक बात है दादा, सेठ वादे का बड़ा पक्का है। अरे अपना फायदा के लिए सब वादे का पक्का होता है, समझा? और शाबू अब हमारा बात गौर से सुन, इस गाड़ी को पीछे गली में खड़ा करना और अपना लड़के लोग को बता दे वो गली के दोनों नुक्कड़ पर खड़ा रहेगा और तू भी वहीं रहेगा, और जैसे ही लड़की आएगा तू फौरन हमको फोन करेगा, समझा? लेकिन दादा एक बात है, लड़की जहां भी जाएगा फैसल उसके साथ होगा। अरे आहिस्ता साबू, आहिस्ता। अरे उसका हल है। अरे अगर फैसल उसके साथ होएगा ना तो हम काम नहीं करेगा, हम बात कर लिया है। और याद रख गाड़ी तू चलाएगा, समझा? और तू साइड पे रहना, वो लोग काम करेगा। लेकिन दादा अगर लड़की अकेली निकली तो फिर हम काफी है। अरे आहिस्ता बोल, आहिस्ता। फैसल साथ हो जाए, अरे फिर तो काम ही क्या रह गए, आधा काम तो हो गया। लड़की को गाड़ी में डालना है और सीधा उसका भाई के पास, समझा? इसमें हमको कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है उस्ताद। अब
I'm so sorry, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं मैडम, सॉरी वाला कौन सा कोई बात है, क्या हो गया आपको? पता नहीं चलता ना कि कब आपको क्या बुरा लग जाए क्या अच्छा लग जाए। नहीं नहीं मैडम, ऐसा ऐसा बात नहीं है जी। मैडम वैसे हमको आपसे एक छोटा सा काम था, हम दोस्तों को भी कह के आए कि आप करा देंगे वो काम। अगर आप इतना एतमाद से कह कर आए तो आपका काम हो जाएगा, बताइए। असल में मैडम शाहिद का बहन है ना, वो डॉक्टर है, तो शाहिद ये चाहता है कि वो एक एनजीओ बनावे, उसमें उसका बहन डॉक्टर होगा, तो दिहाड़ी के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो वहीं दिखा सकता है लोगों। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एनजीओ के लिए फंड्स चाहिए आपको? अरे नहीं मैडम, फंड्स नहीं चाहिए, एनजीओ को रजिस्टर करवाना है। शायद ने बड़ा कोशिश किया है, वो रजिस्टर नहीं कह रहा है, कह रहा है बहुत बड़ा सिफारिश चाहिए, हमारे पास नहीं है सिफारिश। फैसल डैडी तो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, अगर रजिस्टर करानी है तो उनका इंतजार करना पड़ेगा, कुछ दिन तो लगेंगे आने में, लेकिन हो जाएगा आपका काम। तो फिर वो जब आएंगे तो करवा देंगे ना? हाँ हाँ हो जाएगा फैसल, क्यों नहीं होगा। आप एक फलाही काम कर रहे हैं, आपको फंड्स भी मिल जाएंगे, आपकी कंपनी रजिस्टर भी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे फलाही काम होता है वहाँ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सी एन जी ओस को। मैडम हमको यकीन था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप कभी आओ ना लियारी। हाँ हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये छोटे इलाकों में एनजीओ बनाने का ख्वाब मेरा भी था, लेकिन फिर सारे काम बिजनेस ऑफिस सब में मैं इतना बिजी हो गई कि ख्याल ही निकल गया। अब आपने ये बात की है तो दोबारा मुझे ये सारी बातें याद आई, इनफैक्ट मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। अरे मैडम ये तो अच्छा हो जाएगा, आप हमारा हम ख्वाब निकला है। हाँ ख्वाब, हमने कुछ गलत बोला क्या? हमारा मतलब था आम ख्याल। नहीं नहीं मुझे ये अच्छा लगा लफ्ज जो आपने बोला है। हम सच बताएं मैडम, हमको आज बहुत खुशी हो रहा है, आप आओ ना कभी लियारी, सब लोग बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। आऊंगी इंशाल्लाह, जल्द आऊंगी। वैसे लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं टाइम ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, इन्वॉल्वमेंट मेरी पूरी रहेगी। मैडम हम सब तो यही चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वैसे कम भी देंगे तो चलेगा, हम लोग कर लेंगे मैनेज। अच्छा अच्छा मुझे एटलीस्ट आप एक दफा विजिट तो करने दें। वैसे ठीक है, हमको बड़ा खुशी हो रहा है, सच पूछो तो हमने नहीं सोचा था कि आप हमारा मदद करेंगे, हमारे साथ आएंगा। हाँ वैसे सोचा तो मैंने भी ये था कि आपसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी, फिर आपको कायल कर लूंगी कि आप मेरे क्लब के लिए खेलें, लेकिन यहाँ तो आपने मुझे कायल कर लिया है कि मैं आपके साथ एनजीओ बनाऊं। हाँ ये भी सही बात है। मैडम अब तो हम चाय पी के ही जाएंगे, अभी मंगवा लेते हैं। हाँ दो चाय लेकर आइएगा। ठीक, लेकिन आप तो मेरे घर वालों का पूछ रहे हैं। हाँ तो और किससे पूछेगा फिर? मुझसे आप मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना। वैसे शायद साहब आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आप थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। जी अरे तुमको अच्छी लगती है तो बात करें सज्जाद चचा से। अरे नहीं हमको लगता है कि चचा सज्जाद खुद अपनी बेटियों के चक्कर में, घर भी हमको इसलिए लेकर गया था, और उसकी बेटियां वो भी हमारे पीछे पड़ा है, हर वक्त ट्राई करता रहता है हम पर। अरे तो हमको भी ले चलो, वो तुमने कहा था वो दो हैं, एक हमारे साथ हो जाएगा। अरे तुम भी शादी का सोच रहे क्या? अब एक लड़की जो है वो बार बार फोन कर रही है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो लड़के को फौरन समझ जाना चाहिए। वो भी समझ गया होगा, ऐसे जरा ऊपर से आने के लिए तुम्हें नखरे दिखा रहा होगा।
क्या है भाई, बड़ी खामोशी चल रही है। तो तुम्हें क्या शोर पसंद है? और वैसे भी ना अब हम बड़े हो चुके हैं। बड़े होकर भी एक शोर होता है जो बड़े आराम से बल्कि चुपके चुपके होता है, लेकिन वो दिल में होता है। वाह भाई, बड़ी शायराना बातें कर रही हो, कहीं तुम्हें भी तो इश्क नहीं हो गया रूज की तरह? नहीं, मैं ये फजूल काम नहीं करती, और वैसे भी ये फारिग लोगों का काम है। वाह, तुम तो जैसे बहुत ही मसरूफ रहती हो ना, सारा दिन तो बेड तोड़ती रहती हो। इससे ब्यूटी स्लीप कहते हैं, जिसे तुम बेड तोड़ना कह रही हो। अच्छा बताओ ना, शायद से बात हो रही है। क्या बताऊं, तुम भी तो पहेलियां बुझवा रही हो, खुल के पूछो ना क्या पूछ रही हो। यही कि शायद से बात हो रही है या नहीं। नहीं यार, कौन अब पीछे पड़ा रहे, सबका ना कोई फायदा नहीं है। मतलब यार, अब एक लड़की जो है वो बार बार फोन कर रही है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो लड़के को फौरन समझ जाना चाहिए। वो भी समझ गया होगा, ऐसे जरा ऊपर से आने के लिए तुम्हें नखरे दिखा रहा होगा। रहने दो, मुझे नहीं बर्दाश्त ये नखरे। शायद तो पसंद है ना। अरे यार, उसे फोन करो, घर बुलाओ, एक दो बार मिलो। सुना है मर्दों को मोहब्बत जल्दी हो जाती है। रहने दो, फजूल है उसे बुलाना। मतलब बुलाती मैं हूँ उसे, और वो जनाब दीदे फाड़ फाड़ के उरूज मैडम को देख रहे होते हैं। तो ये भी तो तुम्हारी ही वजह है ना, तुम इतने स्पेस देती ही क्यों कि वो आए, उससे बात करे। तुम उरूज को साफ कह दो कि जब वो आए तुमसे दूर रहे, इस तरह तुम्हें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उससे बात करने का, और वो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टेड भी होगा। लेकिन जितना उसे मैं पसंद करती हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करता। उसे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? नहीं, मैंने बताया तो नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे तुम्हें पसंद करने लगे? उसे घर बुलाओ, मिलो, बातें करो। यार वो अब्बा से डरता होगा ना, उनका भी कुछ ना कुछ लिहाज तो होगा उसे। हाँ, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? फोन कर, घर बुलाओ उसे, मिलने के लिए बोल, बोल तू उसे मिस कर रही है। अच्छा आइडिया है, मैं फोन करती हूँ उसे। पर तुम तो जाओ ना यहाँ से। अच्छा, मैं ही मशवरे दूँ और मैं ही जाऊँ? मैं नहीं जा रही। किरण जाओ ना। मैं नहीं जा रही। किरण उठो यहाँ से, जाओ यार, फोन करना है, जाओ उठो, चलो चल। अच्छा, मैं जा रही हूँ। जल्दी, टाइम नहीं है, जाओ। हेलो जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? हम ठीक है, तुम सुनाओ। कुछ नहीं, बस आपका ख्याल आया तो मैंने सोचा कि मैं फोन करके आपकी खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर वाला सब ठीक है? शाहिद साहब, मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ तो हम भी तुमसे ही पूछ रहा है। लेकिन आप तो मेरे घर वालों का पूछ रहे हैं। हाँ तो और किससे पूछेगा फिर? मुझसे आप मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना। वैसे शायद साहब, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आप थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। जी जी, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि मैं आपको बार बार क्यों फोन कर रही हूँ। अरे तो वही तो हम तुमसे पूछ रहा है। तो ये बात आप खुद से पूछे ना। हमको क्या मालूम। अच्छा चले, छोड़े ये सब बातें, मुझे ये बताएं कि आप घर कब आ रहे हैं? अरे वो तो आप जब भी बुलाओ हम आ जाएगा। अच्छा ग्रेट हो गया ये तो। मैं आपको जल्दी बताती हूँ, जिस दिन अब्बा ऑफिस से लेट आएंगे ना और अम्मा बाजार गई हुई होंगी, उसी दिन बुलाऊंगी आपको।
अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही है, और जल्दी मुलाकात हो रही है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, बाय। ना करो, अभी हमारा एनजीओ रजिस्टर हो जाएगा ना, फिर हम तुमको रखेगा ना। तुमको लिखना पढ़ना आता है? जी हाँ। तो तुम अकाउंट संभालना हमारा, तो मसले का बात थोड़ी है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो, ठीक। अरे क्या बात है, हमको क्यों इतना जल्दी में बुलाया है? अरे हम तुमको इतना मजे का बात बताते, अभी कोर से सुनो हमारा। अरे बोलो। उस सजात का बेटिया है ना, अमर गया था और दोनों हम पे लट्टू हो गया, और उसका भतीजी वगैरह सब हमारे पीछे हमको कॉले कर रहा होता है। अब्बा हम तो समझ नहीं आ रहा किधर जाए। यार तुम दोनों का किस्मत तो बहुत अच्छा है, एक को मैडम मिला हुआ है और तुम्हारे पीछे वो चचा की दो दो लड़कियां, और तुमको भतीजी पसंद है। अरे वो थोड़ा मैच्योर है ना, और हमको शुरू से पसंद भी है। बाकी वो दोनों हमको, उन्हें बड़ा बचपन है, हमको अच्छा नहीं लगता। अरे तुमको अच्छी लगती है तो बात करें सज्जाद चचा से। अरे नहीं, हमको लगता है कि चचा सज्जाद खुद अपनी बेटियों के चक्कर में, घर भी हमको इसलिए लेकर गया था, और उसकी बेटियां वो भी हमारे पीछे पड़ा है, हर वक्त ट्राई करता रहता है हम पर। अरे तो हमको भी ले चलो, वो तुमने कहा था वो दो हैं, एक हमारे साथ हो जाएगा। अरे तुम भी शादी का सोच रहे क्या? अरे तो तुम नहीं सोच रहा क्या? अरे नहीं रे, हम तो तुमको बस अपना पसंद बता रहा है, ये शादी मादी का बात थोड़ी कर रहा है। अभी तो हमको अपना मकसद पूरा करना है। जब तक लियारी का सारा आदमी इलाज और परेशानी के लिए बाहर जाता रहेगा, हम शादी नहीं करेगा। अरे हाँ, हमने भी ऐसे ही मजाक में कहा है, और सच्ची बात तो ये, अभी हालात भी ठीक नहीं है, हम अब्बा की सही तरीके से हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तुम फिक्र ना करो, हमारा एनजीओ एक बार रजिस्टर हो जाए ना, तो फिर तुम भी बिजी हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट तुम देख लेना, हमने सारा पेपर वर्क कर लिया है। हाँ फैसल भी गया है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके आएगा। इंशाल्लाह हो जाए। तो तुम चाय पिएगा? अरे वो अपना चाय छोड़ के चला गया है। हाँ ना, तो ठंडा थोड़ी हुआ है, गर्म में पी लो। थोड़ो गर्म मंगवाओ। क्या तुम चिन्नी चोरी वाली बातें करता है, इतना बड़ा एनजीओ खोल रहा है। अच्छा चाय ले आओ एक। देख भाई, मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। अरे शायद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा बड़ा लोग जिधर होता है ना, उसका पीछे सारे ये मीडिया वाला, ये न्यूज़ रिपोर्टर सब पहुंच जाता है। अम्मा शान से जो ताना, वो ता तो नौशीन का दोस्त, लेकिन अब वो पैसल के घर रह रहा है, इसके पीछे कोई तो वजह होगा, ऐसे तो वो वहां पे जाके नहीं रह रहा होएगा। आ हो सकता है, मोहल्ले वाला भी सब बातें करता था कि लड़की घर से भाग कर आया है और नौशीन का दोस्त है। हाँ ठीक है, हम बोल देगा उसको, किराया नादिर को दे देना। हाँ दे देना। अम्मा चाय। चाय अच्छा बनाया है ना, रात को तुम बहुत बुरा चाय बनाया था। अम्मा शान से जो था ना, वो था तो नौशीन का दोस्त, लेकिन अब वो पैसल के घर रह रहा है, इसके पीछे कोई तो वजह होगा, ऐसे तो वो वहां पे जाके नहीं रहना होएगा। आ हो सकता है, मोहल्ले वाला भी सब बातें करता था कि लड़की घर से भाग कर आया है और नौशीन का दोस्त है। अम्मा नौशीन का दोस्त होता तो नौशीन के साथ रहता ना, उससे अलग थोड़ी ना होता, देखो ना अब तो वो पैसल के घर रह रहा है।
हमको तो लगता है अमीर लड़की देखकर फैसल ने शादी का इरादा बना लिया है। सब मोहल्ले वाला भी यही बातें करता था, लड़की पीछे से बहुत पैसे वाला है, उसका भाई इतना बड़ा गाड़ी में आता है। बात तो तुम्हारा ठीक है अम्मा, छोड़ो हमको क्या, चलो तुम चाय पियो। आ क्या वाकई तूने बोल दिया? तो और क्या, सवाल पे सवाल किए जा रहा था यार पागलों की तरह, मेरा तो दिमाग घुमा दिया। वो पहले ही हिम्मत नहीं कर रहा था, तुमने उससे और डरा दिया। नहीं नहीं, बाद में नॉर्मल हो गया था, वो अच्छे से बात की उसने और घर भी आएगा। अच्छा कब? तुम तो ये समझो कि मैंने आज ही उसे सब कुछ बता ही दिया है। हाँ अगर थोड़ी भी अक्कल से काम लिया तो समझ गया होगा। हाँ आएगा तो पता चल ही जाएगा, कहीं उस मैडम के चक्कर में ना आ रहा हो। अगर वो उस रूच के चक्कर में आया ना तो डंडे से ऐसा पीटूंगी ना उसे कि याद रखेगा। देख भाई तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मैडम से बात हो गया, वो थोड़ा मसरूफ है, लेकिन खुशी का बात ये है कि उसने हामी भर लिया कि वो एनजीओ बनाने में तुम्हारा हमारा हम सबका मदद करेगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम अपना नाम बनाने के वास्ते ये सब कुछ कर रहा है? देख भाई मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। क्या मतलब है तेरा? अरे तुमको नहीं चाहिए शौहरत, मैडम को चाहिए तो उसको लेने दो। वो मीडिया बुलाएगी, प्रेस बुलाएगी, लोगों में मशहूरी होगी तुम्हारी, इस तरह काम भी ज्यादा आएगा, समझो बात को। अरे शायद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा बड़ा लोग जिधर होता है ना उसका पीछे सारे ये मीडिया मीडिया वाला ये न्यूज रिपोर्टर सब पहुंच जाता है, और जहां तक ये मीडिया तुम्हारा बात पहुंचाएगा वहां तक तो बात तुम्हारा पहुंच भी नहीं पाएगा, तुम जितना भी जोर लगा लो अगर तुम खुद से करेगा तो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी डैडी क्या बात करनी है? एक बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और लड़का भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी वहाँ करना। आप क्या चाहते हैं? अरे जन्नी, अरे किधर रह गया था यार तू? अरे नादिर भाई बड़ी जबरदस्त खबर लाए हम। अरे आ तो पहले वो ही बोल ना। वो कल लड़की जा रहा है। लड़की कहाँ? एयरपोर्ट, फैसल शाहिद को बता रहा था। शाबू बस तू गाड़ी तैयार रख। लेकिन सच पूछो तो हम चाहता हूँ कि आप इस तरह नाराज होकर यहाँ से नहीं जाओ, अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं फैसल, वैसे भी मुझे अम्मा ने बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं दिल में मैल नहीं रख सकती, आपको पता है मैं ज़्यादा ट्रांस में नहीं रह सकती हूँ। ये तो हमको अंदाजा हो गया है। कब किसको क्या बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बात को पहले समझने की कोशिश करती हूँ, और आजकल तो मैं वैसे भी उरू से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेच्योर बातें करती हैं, मुझे लग रहा है कि भाईजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उनके फैसले से ज़्यादा मुझे अपना फैसला ठीक साबित करना है। शादी का फैसला सिर्फ उनका तो नहीं था, मेरा भी था। दुबला के जाने का इरादा हो गया है? जी अंकल मैं जा रही हूँ। दुबला का भाई तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है, वो हमको बोला कि हम तुमको समझा दे, लेकिन हमको लगा कि तुम खुद समझदार है,
अब तुम मिलना नहीं चाह रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होएंगी ना। ना कौन सा बहन है जो अपना भाई से मिलना नहीं चाहता है। मेरी माँ तो मर चुकी है और मैं अपने बाप को इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती। अच्छा तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर जिस रिश्ते की जगह आपने ली है ना, वो मेरी माँ की थी और मुझे बहुत तकलीफ और जेलेसी होती है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बाहर आओ रे। कौन है आप लोग? अरे हम बोल रहे बाहर आओ, चुप करो, बकवास बंद। अरे तू बीच में मत आओ, हम बोल रहे तेरे को। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हम नादिर उठा डालूंगा तेरे को। मेरे को भले ठोक दे लेकिन लड़की को छोड़। अरे मेरे हाथ छोड़। चलो सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। Record.